स्टार्ट हो गया। अब हमारे थोड़ा सा गुरु जी कथा भी बोल सकती हूँ। गुरुदेव के अकाउंट में शेयर हो जाएगा फिर। बोल दिया चरण चिन्ह। अब किसमें चरण? ये श्री कृष्ण भगवान के चरण चिन्ह है। हाँ, चरण पहाड़ी पर। चरण पहाड़ी पर उठना। हाथी मुकट है, मुकट राधा रानी का। मुकट है कहाँ पे? राधा रानी के मुकुट का निशान। बता रहा हूँ भैया। क्लियर है बिल्कुल। आधा तक पास कर दी, पास कर दी, वो खन दी थी। आर पास कर दी तो खन दी, खना ना रोकन दी है, तो रोकन दी तो है ना। राधे जय राधे, राधे राधे, जय भगवान की, जय श्री कृष्ण की, जय हो, जय हो, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय हो चरण पहाड़ी की। चरण पहाड़ी प्रभु जी, हरे कृष्ण, हेलो, हरे कृष्ण करा। माधुरी दीदी बोल रही, देख रही है। माधुरी दीदी देख रही है। थोड़ा हाथ से बताओ कहाँ से कहाँ है। हाँ, नीचे तक करो, यहाँ से लेके यहाँ तक। चरण कहाँ है? यही तो देखने की सौदा है यहाँ। अच्छा, ये यहाँ तक है। बहुत बड़ा पैर है। बलराम जी थे बड़े बड़े थे ना, अब से भी लंबे। एक यहाँ पग है, एक वहाँ पग है। अब तुमने शुक्र लगा दिया, ये कितने लंबे होंगे। एक पग यहाँ लगा दिया, वहाँ पग कर दिया। ओ हाँ, ये दाहिना बायां दोनों पैर हैं यहाँ। अब बने बलराम जी के चढ़ाव कसना कच ऐसे कैसे हुई। हाँ, ये बलराम जी का। ये यहाँ से यहाँ तक। हाँ, ये एरिया। धूकर रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है।
जय हो जय हो जय हो जय हो। हरी कथा करेंगे बाहर बाहर करेंगे वहाँ पे। चरण कृष्ण भगवान करो जय जय कृष्ण भगवान की जय नंगे पैर में चल रही उधर भी है। गईया का यहाँ पर कितने चैनल चिन्ह होगा लेकिन अब हरी कथा कहाँ आएगी? हरी कथा आएगी प्रभु जी, हरी कथा आएगी। गुरुदेव हरी कथा कर दो, सब देख रहे हैं। लाइव चल रहा है, दर्शन करा के लाइव। इधर इधर मंदिर है ना,
करे हो गया अभी हरी कथा होएगा अभी हरी कथा होएगी 10-5 मिनट में होएगी मैं ले आ रहा हूँ रोहित अभी बस में बैठ गए हो हरे कृष्णा प्रसाद बना हो गया हरे कृष्णा प्रसाद हो गया हाँ ओ बस में बैठ चुके हैं प्रसाद हो गया बस में हम इधर अच्छे हुए हैं नीचे पोर्टल आए दिल्ली चले जाओगे अभी तुम लोग गांठोली होकर दिल्ली जाएंगे ना हाँ हम लोग आ रहे हैं गांठोली में मिलेंगे हाँ हम आ रहे हैं और गांठोली जहाँ पर वो होली चले थे ना वहीं पर आकर के वहीं पर मिलेंगे ठीक आप वहीं पर मिलेंगे ठीक है गांठोली में गांठोली हाँ तुम्हारे प्रभु जी भुला फर प्रभु जी कहाँ गए तो जल जल वो लोग वहाँ से बस में अब प्रसाद हरी कथा तो बोल दो तब हरी कथा बोल दो तब तक आ रहे हैं थोड़ा सब लोग आ जाते हैं ये बच्चों कहाँ पल लगे यहीं पे सपना दीदी कहाँ गई उधर निकल गई हैं उधर निकल कर गई वो सब जगह घूमेगी कुछ छोड़ेगी नहीं हो वो हिरण के बता रहे थे ना हिरण हिरण है बाघ है शेर है हाँ वो आगे निकल गए वो सबसे आगे निकल गए अरे हमारे नवीन प्रभु कहाँ गए उनको बुलाओ ना नवीन बराबर चली चली जाती गांठ वाली चले जाएंगे इधर खड़े हो जाए इधर बोल दे इधर खड़े हो तो लोग इधर आ जाओ गौर प्रेमानंदे दे ऑलरेडी वेंट टू यू नो गो टू गांठोली यू नो प्रसाद फिनिश नाउ दे आर ऑलरेडी सीट इन बसेस हाँ हम लोग अभी जहाँ पर आए हैं ये स्थान चरण पहाड़ी है चरण पहाड़ी एक जगह पर नहीं ब्रज में बहुत सारी चरण पहाड़ी एक चरण पहाड़ी हम लोग नंदगांव में देखा एक चरण पहाड़ी काम्यापन में देखा एक चरण पहाड़ी यहाँ पर देखा है इसलिए चरण पहाड़ी क्योंकि कृष्णा इसका नाम ब्रज है ब्रज मतलब ब्रज गतो चलती क्योंकि एक जगह पर कृष्ण रहे नहीं रहे कृष्ण सबके सब अलग अलग जगह पर उन्होंने गए और जहाँ जहाँ पर उन्होंने गया चराया जहाँ पर उन्होंने बंसुरी बजाए जहाँ पर श्री पर्वत पिघल गया वहीं पर कृष्ण का चरण चिन्ह अभी पड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर भी कृष्णा सखाओं के साथ में वृंदावन में रहते हुए यहाँ पर भी गैया चराने के लिए यहीं आते थे यहीं आ करके यहीं पर उन्होंने बंसी ध्वनि की बंसी ध्वनि तो पूरा पहाड़ के पहाड़ पिघल गया लेकिन यहाँ पर एक चीज लक्ष्य करके देखना इनका जो चरण छाप है ना एक तरफ का है वो दो तरफ का नहीं है एक तरफ का चरण छाप है तो एक समय वैष्णव लोग बैठ करके विचार कर रहे थे बोले ये चरण छाप एक तरफ में क्यों है दो तरफ में क्यों नहीं है तो बोले अगर इसी समय अगर जीव गोस्वामी होते हैं ना वो बता देते
ये एक तरफ में क्यों है, दो तरफ में क्यों नहीं, इसको जीव गोस्वामी बोल सकते हैं। तो जीव गोस्वामी प्रश्न किया जो ये चरण चिन्ह सब एक तरफ में क्यों, ये दो तरफ में क्यों नहीं। बोले कारण है कृष्णा जिस समय गैया चराते हुए गए उसी समय में उन्होंने बंसरी बजाई। जब बंसरी बजाए बंसी ध्वनि को बताए त्रिजगता मनस आकर्ष मुरली कलकुज्जित। इसलिए भगवान की चार माधुर्य है, चार माधुर्य में एक माधुर्य है वेणु माधुर्य, वेणु माधुर्य है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं वेणु माधुर्य की इतने शक्ति है, इतने शक्ति है। बोले तेजो बारी मृदाम जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्ग मृषा। इसलिए भागवत में बताए बंसी ध्वनि में इतने चमत्कारिता कृष्ण का बंसी ध्वनि में। कहते हैं तेजो, तेज मतलब होता है चंद्रमा। इसलिए हम चंद्र सरोवर में गए थे, कृष्ण ब्रह्मा का एक रात तक उन्होंने रास रचाए। इसलिए वो जब कृष्ण बंसी बजाए पूरा चंद्रमा ब्रह्मा के एक रात तक वो चंद्रमा स्थगित हो गया, चंद्रमा इधर उधर घूम नहीं पाए। बोले भैया वो चंद्रमा कौन सा चंद्रमा थी? बोले ये साधारण चंद्रमा नहीं, क्योंकि ये साधारण चंद्रमा होता तो वो कभी कृष्ण की रास नहीं दर्शन कर पाता। वो चंद्रमा कौन सा है? राधा रानी के चरण की नख चंद्रमा है। राधा रानी के चरण की नख से जो प्रकाश है वो चंद्रमा, वो चंद्रमा, वो साधारण चंद्रमा नहीं। इसलिए तेजो। बोले बारी, बारी मतलब होता है पानी है। अगर जैसे यमुना इधर बहती है, अगर कृष्ण बंसी बजाए तो वो यमुना जहाँ के जहाँ स्थगित हो जाती है, फिर यमुना उल्टे बहने लग जाती है। उल्टे बहने लग जाती तो ये सुंदर सुंदर जैसे कमल फूल खिला हुआ होगा, पानी इधर बह रही है, बंसुरी बजाए तो पानी स्थगित हो गया, फिर क्या होगा? पानी फिर भंवरा, पानी में भंवरा पड़ जाते हैं, भंवरा में फिर वहाँ से कमल फूल को लेकर कृष्ण चरण में वो अर्पित कर देते हैं। इसे तेज बारी मृदा, मृदा मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी बा ये गिरिराज गोवर्धन, नहीं तो ये शिला। कहते कृष्ण का बंसी ध्वनि से संपूर्ण जो गिरिराज शिला है ये भी द्रवीभूत हो जाता है। द्रवीभूत होने पर कृष्ण का चरण का छाप, यूं कहती हूँ कृष्ण का चरण का छाप पड़ जाता है। इसलिए ये जो चरण पहाड़ी है, दूसरी जगह भी चरण पहाड़ी है, काम्य बन जाएंगे वहाँ पर एक कृष्ण जैसे ऐसे खड़े होते ना बंसुरी ऐसे बजाते ना, इसलिए वहाँ पर कृष्ण जो ऐसे खड़े होकर बंसुरी बजाते हैं, पूरा कृष्ण जो ऐसे खड़े होते हैं वो पूरा वो चिन्ह वहाँ पर है। इसलिए आप नंदगांव में गए वहाँ पर आपको एक चरण चिन्ह मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चरण चिन्ह हैं और वहाँ पर चरण चिन्ह छोटे हैं, यहाँ पर चरण चिन्ह बड़े बड़े। इसलिए वो एक व्यक्ति कह रहा था बोले यहाँ के चरण वहाँ के चरण कैसे? मैंने कहा भाई इतना बड़ा चरण कैसे? बोले कृष्ण यहाँ के चरण रखे और यहाँ से वहाँ के चरण रखे, यहाँ से वहाँ के चरण रखे। इसलिए पहले लोग बहुत ऊंचे होते हैं ना, हमारे जैसे नाटे थोड़ी होते थे है। इसलिए आपको पिताजी को देखना और था लंबा, उनको पिताजी को देखना और था लंबा, उनको ऐसे करते करते 5,500 पहले हर चीज प्योर मिलता था, ब्रह्मचर्य पालन करते थे, सनातन गोस्वामी कैसे पूरा 50 किलोमीटर रोज करके नाश्ता ग्रहण करते थे, हमारे जैसे नहीं थे है। इसलिए वहाँ पर सब चरण चिन्ह, सबसे जो बड़े बड़े चरण चिन्ह और सबसे जो ज्यादा चरण चिन्ह आपको यहीं पर मिलेगा। इसलिए ये चरण पहाड़ी और ये जो देखा इसका नाम चरणामृत गंगा, इसको खीर समुद्र भी कहते हैं और इसको गंगा चरणामृत गंगा भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पर कृष्ण सखाओं को सखियों को साथ में लीला करते करते एक दिन सखियों ने पूछा, कृष्ण ने पूछा गोपियों को बोले जानते हो मैं कौन? बोले हाँ मक्खन चोर हो है, गैया के पीछे पीछे डोलते हो, ग्वाल वाल मक्खन चोर हो। कृष्ण ने कहा तुम लोग ग्वालिनिया, तुम लोग मेरे क्या जानते हो है? तुम लोग ग्वालिनिया कंडे बीनने वाले दधि मथन करने वाले, तुम हम लोगों क्या जानते हो? जानते हो मैं कौन? बोले मैं वही हूँ जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्य अहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। मैं भगवान हूँ सत्य युग में, मैं ही नारायण था जो सृष्टि से पहले जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा निकले और ब्रह्मा जी ने कितने करोड़ों साल तक तपस्या की है, फिर मैंने तप बोला तो उन्होंने तपस्या की। बोले ज्ञानों में परम गुह्यम जद विज्ञान समन्वितम सह रहस्यं च तदगन च गृहाणाम गदितम मया। मैंने फिर ब्रह्मा जी को
कहते ज्ञानों में परम गृह ज्ञान दिया। बोले मैंने केवल ज्ञान नहीं दिया, परम गृह ज्ञान। परम गृह ज्ञान कब होगा? बोले ज्ञान भगवान सच्चिदानंद रूप आय सत चित आनंद मिलकर कृष्णा। लेकिन अगर सत और आनंद निकाल दो, बीच में केवल ज्ञान रह जाएगा ना, उसी समय वो रसिकों का भगवान नहीं, वो ज्ञानियों का वो ब्रह्म है, वो ज्ञानियों का वो ब्रह्म है। इसलिए वो केवल ज्ञानियों को उपास्य, रसिकों का नहीं। रसिकों का तभी उपास्य, बोले ज्ञानों में परम गुह्यम। लेकिन परम गुह्य ज्ञान तभी होगा जब राधा जी को साथ में वो ज्ञान होगा। इसलिए रूप गोस्वामी कहते कृष्णानुशीलनम, वो कृष्णा अनुशीलन नहीं कहते हैं, कृष्णानु मतलब कृष्णा मतलब कृष्ण कृष्ण, और कृष्णा कौन है? राधा रानी। इसलिए राधा जी को साथ में जब कृष्ण हो तभी वो ज्ञानों में परमोज्ञ, तभी वो परमोज्ञ न। बोले तदंगंच, वो तो कृष्ण देखने में सुंदर है, लेकिन राधा रानी जब बाम पास में और सुंदर, लेकिन जब उनके साथ में सखियां हो ना, कृष्ण और भी, जैसे एक नीलमणि, जैसे चारों तरफ में राधा गोपियां कैसे है, एक एक जैसे मणि है, जैसे सोने के मणि जैसे, लेकिन कृष्ण का नीलमणि, लेकिन उसको बीच में जब नीलमणि होता है ना, वो मणि के और सुंदरता निखरता है। इसलिए कृष्ण सुंदर है, लेकिन कब सुंदर? जब सब गोपियों के साथ मिश्र तदंग गंच, मतलब उनका जो अंग है, तदंग च गृहणम गदितम मया, तब भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी को उन्होंने सर्वप्रथम परम गृह ज्ञान प्रदान किया है, है? इसलिए कृष्ण ने कहा मैं वही नारायण हूँ जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुई है, ब्रह्मा जी ध्यान को द्वारा मैंने परम ज्ञान प्रदान की और मेरी कृपा से उन्होंने सारा दुनिया को सृष्टि किया है, इसलिए मैं वही ब्रह्मा हूँ जिसको, हाँ, जिसको भागवत में कहते हैं ना शांताकारम भुजग शयनम। इसलिए सारे देवता जिनको स्तुति स्तव करते हैं, गोपियों ने कहा तू ऐसे डी घांकता रहता है, हमें पता है, हाँ? मैं भगवान हूँ, मैं अमुक हूँ अमुक हूँ, हैं अमुक अमुक हूँ, घर घर में मक्खन चोरी करते हो तुम, मिट्टी खाते हो, झूठ बोलते हो, मैया बनी मैं नहीं माखन खाए हो, झूठ बोलते हो, अब तो भगवान 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 हो गया, तू ऐसे बोलते रहते हो। कृष्ण ने कहा देखोगे मैं कैसे भगवान? बोले दिखाओ, क्या दिखाओगे? इतने में कृष्ण उन्होंने अनंतनाग स्मरण किया, अनंतनाग स्मरण करते सचमुच से श्री अनंतनाग प्रकट हो गए, और जिनको सर पर हजार उनके मुंह है, सर के ऊपर मुकुट, उसका अंदर मणि जल रहा है। इतने में कृष्ण ने क्या किया? वो अनंतनाग पर उन्होंने शयन कर लिया, शयन कर लिया। तो इतने में राधा रानी सर्व लक्ष्मीमयी है, हैं? राधा रानी सर्व लक्ष्मीमयी, राधा रानी तो सब कुछ बन सकती है, पर राधा रानी उनकी चरण की सेवा करने लगे। इसलिए वो जो विग्रह है अंदर में जो देखा है वो शेष साई है, वो शेष साई है। इसलिए उन्होंने यही रूप को धारण किया था यहीं पर। इसलिए वज्रनाभ ने फिर आ करके उन्होंने सांडिल्य ऋषि के अनुगत्य में कृष्ण जहाँ जहाँ जैसे जैसे लीला की, उन्होंने सांडिल्य ऋषि को साथ में गए, क्योंकि श्री सांडिल्य ऋषि ने बताए अगर कृष्ण अभी ब्रज में है, कृष्ण अभी ब्रज में है, अगर इसको पूर्ण रूप में तुम जानना चाहते हो, कृष्ण का ब्रज मंडल को तुम प्रकाशित करो। क्यों? कृष्ण चले गए अभी अभी, कृष्ण जहाँ जहाँ लीला की अभी किसको पता ही नहीं, धीरे 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 सबके सब अंतर ध्यान धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है, इसलिए अभी तुमको पुनः उद्धार कर। इसलिए वज्रनाभ ने ही वो विग्रह को स्थापन किया, कहीं कुंड बना दिया, कहीं चरण चिन्ह बना दिया, कहीं कूप बना दिया, कहीं तालाब बना दिया, कहीं विग्रह बना दिया। इसलिए अभी थोड़ी बहुत हमको जो पता चल रहा है ये वज्रनाभ का ही अनुग्रह है, इसलिए इनका नाम वज्रनाभ। क्या नाम है? वज्रनाभ। बोले वज्रनाभ क्यों? बोले कारण इसलिए वज्रनाभ पड़ा, कभी जब उन्होंने माँ की गर्भ में था ना, कभी जब माँ की गर्भ में थे उस समय राधा रानी की कृपा इनको पर हुई है, राधा रानी की कृपा इनको पर हुई है, राधा रानी कृपा से ही उन्होंने जन्म हुए और कृष्ण का लीला स्थलियों को उन्होंने प्रकाशित किया। इसलिए इसका नाम है शेष साई, और उसका नाम चरण चरण गंगा है, और इसका नाम श्री चरण पाई। निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि बोल की जय। या आसपास में बहुत सारी लीलाएं, बहुत यहाँ पर आसपास में तो भगवान की अनंत लीला यहाँ पर हुई। गौर ब्रह्मानंद, चलो चलो जल्दी चल पाएंगे, फटो निताई गौर ब्रह्मानंदे जल्दी जल्दी महाराज जी फोटो ए इसका फोटो खोल लो।